बहुत समय पहले की बात है, एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। वहां एक मछुआरा रहता था जिसका नाम रघु था। रघु रोज सुबह अपनी नाव लेकर नदी पर जाता, मछलियां पकड़ता और शाम तक उन्हें बेचकर लौटता। उसकी यह रोज की दिनचर्या थी, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी और परिवार का पेट मुश्किल से भर पाता था। एक दिन रघु ने सोचा, मैं रोज मेहनत करता हूँ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जीवन सदा इस गरीबी में ही बीता जा रहा है, काश कोई मुझे इस दुख से छुटकारा दिला पाता। इसी सोच में डूबा वह नदी के किनारे बैठा था, तभी उसे दूर से एक साधु आते दिखे। साधु का चेहरा चमकदार और शांत था। उसका चेहरा देख रघु को लगा कि शायद साधु के पास उसके दुखों का समाधान हो सकता है। साधु उसके पास आकर ठहरा और रघु ने उनका स्वागत किया। साधु ने पूछा, पुत्र तुम इतने चिंतित क्यों हो? रघु ने अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में साधु को बताया और उनसे मार्गदर्शन की याचना की और पूछा कि मैं अब इन परेशानियों का छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? साधु ने रघु की ओर देखा और मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्याओं का हल मेरे पास है, परंतु इसके लिए तुम्हें कुछ मेहनत करनी होगी और अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा। रघु आश्चर्यचकित हुआ और उसने साधु से पूछा, मुझे क्या करना होगा, बताइए महाराज। साधु बोले, यह नदी तुम्हें प्रतिदिन भोजन और जीवन का सहारा देती है, लेकिन तुम इसे केवल मछलियों के स्रोत के रूप में ही देखते हो। क्या तुमने कभी सोचा कि यह नदी और भी बहुत कुछ दे सकती है? साधु की यह बात सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। रघु ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और बोला, साधु ने समझाया, हर दिन सुबह तुम इस नदी पर आओ और ध्यान लगाओ, अपने मन को शांत करो और जीवन के उद्देश्य पर ध्यान दो। जितना तुम इस नदी से जोड़ोगे उतना ही यह तुम्हें अपने रहस्यों से अवगत करती रहेगी। साधु की यह बात रघु को बहुत अच्छी लगी। रघु को साधु की बातें अनोखी भी लगी, परंतु उसने उनका अनुसरण करने का निश्चय कर लिया। अगले दिन से वह सुबह जल्दी उठकर नदी के किनारे ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसकी समझ में बदलाव आने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्याएं केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उसके भीतर भी अशांति फैली हुई थी जो उसे परेशान कर रही थी। अब वह अपनी मेहनत को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। जैसे ही उसने अपना दृष्टिकोण बदला, कुछ समय बाद रघु ने देखा कि उसकी मछलियाँ अधिक बिकने लगी है और उसे नई नई जगहों से ग्राहक भी मिलने लगे हैं। उसके काम में सुधार भी आने लगा था। यह सब देखकर वह साधु के प्रति बहुत आभारी हुआ। रघु ने अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया था। एक दिन साधु फिर से गांव में आए और रघु को देखा। रघु ने उन्हें प्रणाम किया और रघु ने महाराज साधु से कहा, महाराज आपने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। आपने मुझे सिखाया है कि बाहरी समस्याएं केवल एक प्रतिबिंब होती है, असली शांति भीतर से आती है जो अपने अंदर ही होती है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, रघु याद रखना, जीवन की यात्रा में जब भी कठिनाइयां आए तब भीतर की ओर झांकना और समझना कि असली संतोष वहीं से आता है। रघु ने साधु की बातों को जीवन भर याद रखा।
अब रघु साधु के सिखाए और बताए अनुसार चलने लगा। वह अब एक नए दृष्टिकोण से अपने काम और जीवन को जीता था और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने लगा था। रघु की यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है। अगर यह कहानी